है संडे और आज हम लोग आए हैं गुड़गांव का सदर मार्केट। तो सदर मार्केट देखे हैं आज कैसा रहता है। तो ये जो मेन गेट है ना, मेन गेट से कभी भी सदर बाजार नहीं आए तो, क्योंकि इतना भीड़ होता है संडे को कि आप कुछ खरीद भी नहीं पाएंगे। और सदर बाजार आने का बहुत सारे रास्ते हैं, तो दूसरे गली से आप आ सकते हैं और इस गली से आएंगे तो आगे मैं दिखाती हूँ कि कितना भीड़ है। आपको अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा तो आप खरीद कैसे पाएंगे। तो देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा भीड़ है, हम लोग को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है अंदर आने में। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि सदर मार्केट के अंदर मार्केट जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, तो वो सब रास्ते से जा सकते हैं अगर आप संडे को आते हैं तो। और ऐसे डेली मार्केट लगता है सदर बाजार में, तो आप संडे को नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है। और सैटरडे फ्राइडे किसी दिन भी आ सकते हैं, इतना भीड़ नहीं रहता है। संडे के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, कुछ खरीदना मुश्किल हो जाता है। और अंदर मार्केट के यानी कि दुकान के अंदर उतना भीड़ नहीं रहता है, रोड पर ज़्यादा भीड़ रहता है। जब दुकान में जाएंगे तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, क्योंकि इधर जो बाहर सेल लगता है इसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। और सेल 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये ठंडा से कपड़ा या गर्मी के दिन किसी भी मौसम में आए तो सेल आपको मिल जाएगा। बहुत ही सही रेट में यहाँ सभी चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर आप बिग डे में आते हैं तो इतना जो सेल लगाते हैं तो बिग डे में सेल नहीं लगता है। और ये जो मार्केट लगते हैं सेल वाले, ये संडे को आपको मिलेगा, ऐसे बहुत कम सेल वाले रखते हैं। और शॉप वगैरह तो है ही शॉप, तो अगर आप सेल वाले लेना चाहते हैं तो आप संडे को आ सकते हैं, पर मेन गली से नहीं आ करके और भी बहुत सारे जो गली है उससे आप आ सकते हैं अंदर। और अगर आप शॉप से लेना चाहते हैं तो शॉप से किसी भी दिन आप आकर ले सकते हैं। यहाँ पर होलसेलर के रेट में सभी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत ही अच्छा मार्केट है सदर बाज़ार में। तो देखिए कितना बड़े बड़े मार्केट हैं। और ये है फ्लावर्स का शॉप, यहाँ पर प्लास्टिक के फ्लावर्स मिल जाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। और ऐसे मार्केट में तो इतना ज़्यादा भीड़ था कि जब आप कुछ खरीदते रहो तो उस समय तो वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। तो बस आप लोगों के दिखाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।